हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 14 फरवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, दैट इन केस यू फाइंड दीज वीडियोस हेल्पफुल, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो दैट बाय कमेंटिंग बिलो, लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इफ यू हैवन डन दैट। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वी हैव टू डिस्कस अ लॉट ऑफ एडिटोरियल्स टुडे। उसमें से एक एडिटोरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वी आर एंटिसिपेटिंग अ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन इन योर मेंस पेपर अर्बन प्लानिंग के ऊपर। कैसे आप सिटीज को यू नो फ्लड प्रूफ बना सकते हैं, लैंडस्लाइड प्रूफ बना सकते हैं। आपको कुछ बहुत प्रैक्टिकल और कॉन्क्रीट स्टेप्स वहां से मिलेंगे, कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस मिलेंगे। 5 से 7 पॉइंट्स बहुत आराम से यू कैन रेप्लिकेट देम एज इट इज वर्बैटिम इन योर पेपर। तो अ लॉट ऑफ एडिटोरियल्स, केवल यही नहीं, और भी द हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स हमें आज डिस्कस करने हैं। उसी के साथ में ये जो पहला आर्टिकल हम द हिंदू का आज डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है एज फार एज यू नो ज्योग्राफी मैपिंग इज कंसर्न, इकोलॉजी इज कंसर्न, इन्वायरमेंट इज कंसर्न। आई थिंक इतने महीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है। ऑलराइट, तो देखिए, हम इससे पहले कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है, हम यहाँ पे कर्सरी रीडिंग इस पर्टिकुलर आर्टिकल की दे देते हैं। जियो साइंसेज कम्युनिटी कॉल्स फॉर ब्रॉड पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स टू पावर हेरिटेज बिल। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक ड्राफ्ट बिल लाया गया है विच इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग इंडियाज जियोलॉजिकल हेरिटेज दैट इंक्लूड्स फॉसिल्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, natural structures, has raised alarm in India's geological sciences and paleontology community. तो देखिए क्या हुआ है, एक draft bill लाया गया है। इस bill का aim ये है कि हमें protect करना है भारत की geo heritage sites को। geo heritage sites में दो word हैं, एक है geo और एक है heritage, यानी कि वो geological features जो हमारे लिए एक हेरिटेज इंपॉर्टेंस भी रखते हैं, एक साइंटिफिक इंपॉर्टेंस भी रखते हैं, एक एडुकेशनल, एक कल्चरल एस्थेटिक वैल्यू भी रखते हैं, जैसे कि हिमालयस। हिमालयस को आप देखिए, उसको देख के हमें पता चलता है कि यंग हिमालयस है, यंग माउंटेन्स है, और कैसे जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो कोलाइड करके, उसकी वजह से यू नो वी आर सीइंग दिस अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयस, राइट। तो जब हम उसको अरावली से कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि अरावलीज अभी बिल्कुल यू नो वो डिग्रेड हो चुके हैं, और एक समय पे अरावलीज इससे भी ऊंचे हुआ करते थे, और मे बी जो हिमालयस का आने वाला फ्यूचर होने वाला है वो अरावलीज की तरह होने वाला है। बट ऑफकोर्स अभी तो इट इज यंग, यू नो इट इज अ यंग माउंटेन, अभी तो और अपलिफ्ट होगा। तो हिमालयस हमारे लिए एक जियो हेरिटेज साइट है, राइट, क्योंकि ये हमारे लिए एक जियोलॉजिकल फीचर तो है, ये माउंटेन इज अ जियोलॉजिकल फीचर, लेकिन इससे हम बहुत कुछ साइंटिफिक, एडुकेशनल और ऑफकोर्स कल्चरल और एस्थेटिक वैल्यू भी डिराइव करते हैं। तो जियो हेरिटेज का मतलब ये है। अब देखिए, लेकिन पहले ही पैराग्राफ में लिखा है, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई बिल लाया गया है जियो हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन जो जियोलॉजिकल साइंसेज के एक्सपर्ट्स हैं उनके कुछ कंसर्न्स हैं। अब क्यों, यू नो वो हमें इसके लैटर हाफ में यू नो डिस्कस करना है। ओके, द ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स, तो देखिए बिल का नाम है जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022 व्हाइल डीम्ड नेसेसरी बाय सेवरल रिसर्चर्स वेस्ट पावर। तो देखिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या है जियोलॉजिस्ट का, सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि आपने सारी पावर यू नो बेसिकली एक बॉडी के अंदर वेस्ट कर दी, जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI, उनके डायरेक्टर जनरल में। तो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कहीं चीजों में जहां उन्हें आप पावर दे रहे हो उनकी एक्सपर्टीज भी नहीं है। तो देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पहली चीज जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हमें यहां पता चलती है वो है बॉडी एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उस पर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है, 3 से 4 स्टेटमेंट्स आएंगे जो आपको ऑफकोर्स यू नो उसमें से पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज मोर देन 170 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसे 1851 में एस्टैब्लिश किया गया था। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रिक करना बहुत आसान है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट दिया जा सकता है MOEFCCC, इस तरह से कोई भी आपको, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ
केमिकल साइंसेस को जिस तरह से देखे आपको ट्रिक किया जा सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का एक अटैच्ड ऑफिस है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 1851 में एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन देखिए, जब ब्रिटिशर्स ने इन्हें एस्टैब्लिश किया था, यू नो, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उनका हमें पता होना चाहिए, अगर ये स्टेटमेंट लिखी है, इट वॉज प्राइमरली सेट अप एज एन इंस्टीट्यूशन टू फाइंड कोल डिपॉजिट्स। कोल डिपॉजिट्स भी क्यों फाइंड आउट करने थे ब्रिटिशर्स को? क्योंकि वो रेलवे बना रहे थे, राइट, उस समय पे, तो वो उनका यू नो बेसिकली प्राइमरी पर्पस था इस इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने के लिए। तो अगर आपको ये भी एक बेसिक बैकग्राउंड पता है, तो आप बहुत आसानी से डिराइव कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर ही होगा, ठीक है, क्योंकि कोल डिपॉजिट की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका जो प्राइमरी पर्पस था वो कोल डिपॉजिट्स को यू नो डिस्कवर करना था फॉर रेलवेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है। देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखिए, जब भी किसी भी इस तरह की बॉडी पे, जैसे कोस्ट गार्ड और इस तरह की बॉडीज पे क्वेश्चन आता है, तो उसका हेडक्वार्टर्स पूछा जाता है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल है, और ये नहीं बल्कि साथ ही में इसके रीजनल ऑफिसेस भी हैं, 6 रीजनल ऑफिसेस हैं। अब देखिए, आप 6 रीजनल ऑफिसेस आपको याद ना रहें तो यू नो, वैसे अगर मैं आपको बता दूं, लखनऊ है, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग, कोलकाता, लेकिन अगर आपको ये ना याद रहे तो आपको ट्रिक करने के लिए उसमें मोस्ट प्रोबेबली मुंबई होगा, चेन्नई होगा, दिल्ली होगा, और ये तीनों ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यही यूजुअली रीजनल ऑफिसेस होते हैं। तो आप याद कर लीजिए, चेन्नई नहीं है, मुंबई नहीं है, दिल्ली नहीं है, तो हमें याद हो गया। और आई थिंक इससे ज्यादा कुछ भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे नहीं आ सकता। यूजुअली अगर आपसे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एप्लीकेशन पे भी आ जाती है, एक यू नो जो एक स्टेटमेंट होती है वो एप्लीकेशन पे पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, एक जो यूजुअली सही ही होती है कि यू नो व्हाट डज इट डू, क्या करती है ये बॉडी, तो वो तो आएगा ही एक स्टेटमेंट। तो ये बेसिकली जैसे स्टील, कोल, मेटल्स, सीमेंट, पावर इंडस्ट्रीज, इस तरह के जो भी जियो साइंटिफिक चीज़ें हैं, रिसर्च हैं, उस पे काम करती है, ठीक है। तो हजार्ड स्टडीज, अभी रिसेंटली हमने क्या देखा था, लिथियम जो हमें जम्मू कश्मीर में मिला, राइट, तो रईसी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया। ओके, सो दिस सॉर्ट ऑफ माइनिंग एंड स्टफ, ओके, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। तो ऑफ कोर्स देखिए, अभी लिथियम पाया गया है, तो मे बी एक स्टेटमेंट लिथियम से रिलेटेड हो कि लिथियम किसने डिस्कवर किया था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, तो वो सही होगा अगर आपने यू नो न्यूज़पेपर्स पढ़ी हैं तो। ओके, प्रोविजंस ऑफ द बिल गिव इट द पावर टू डिक्लेयर। तो देखिए, जो बिल है वो पावर्स देता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट साइट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं एज हैविंग जियो हेरिटेज वैल्यू। आपके पास पावर है, आप डिक्लेयर कीजिए कौन सी साइट यू नो पोजेस करती है जियो हेरिटेज वैल्यू। टेक पोजेशन ऑफ रिलिक्स, अगर किसी प्राइवेट हैंड्स में आपको लगता है कुछ जो जियो हेरिटेज वैल्यू रखने वाले फॉसिल्स हैं, रॉक्स हैं, इस तरह के रिलिक्स हैं, तो आप उनसे ले लीजिए, उनसे उनकी पोजेशन में से ले लीजिए, ये भी आपके पास पावर है। आप कंस्ट्रक्शन, जो एक साइट आपने जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दी, उसके आसपास 100 मीटर्स के विदिन आप प्रोहिबिट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन को। अगर कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो आप उनको पीनलाइज कर सकते हैं विद फाइंस अप टू ₹5 लाख। तो ये सारी चीजें, आप इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब कुछ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया ऑफ GSI के हैंड्स में है। अब देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्यों कंसर्न्स क्या हैं। अब देखिए, बहुत अच्छी बात है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये काम दिया गया है, लेकिन बहुत सारे जियोलॉजिकल साइंटिस्ट जो हैं वो कंसर्न्ड क्यों हैं? तो उनका ये कहना है कि देखिए, पहली बात तो आपने सेंट्रलाइजेशन ऑफ, फर्स्ट पॉइंट जो हमें यहाँ से मिल रहा है वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और ऊपर से वहां पे सेंट्रलाइजेशन जो इनका कहना है, वो कहीं कहीं चीजों में उनकी एक्सपर्टीज भी नहीं होगी। तो बढ़िया ये है कि आप कमिटी बनाते, राइट, एक कमिटी डिसाइड करती, डिक्लेयर करती एक साइट को एज जियो हेरिटेज साइट, क्या ये बेहतर नहीं होता, जिसमें वाइड रेंज ऑफ इंस्टीट्यूशन से एक्सपर्ट्स आते और वो साथ मिलकर डिस्कस करते, राइट? तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट आपको मिलता है। दूसरा कंसर्न क्या है? दूसरा कंसर्न ये है बहुत सारे जियोलॉजिकल साइंटिस्ट का कि देखिए, जरूरी नहीं है, और ये तो हमने बहुत सारे फील्ड्स में देखा है कि एक यू नो साइट को अगर लिस्ट में डाल दिया जाए तो उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। यू नो ग्राउंड लेवल पे स्टाफ मॉनिटर करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो होना बहुत जरूरी है। तो दूसरा पॉइंट ये है, और उस तरह के प्रोविजंस बिल में हमें नहीं दिख रहे। तीसरा क्या है? तीसरा इन्हों जो कंसर्न ये है कि यू नो यूनियन गवर्नमेंट को पावर दी गई है इस बिल के द्वारा कि आप किसी भी जियो हेरिटेज साइट को
डीनोटिफाई कर सकते हैं, लिस्ट में से हटा सकते हैं, एक्सपंज कर सकते हैं अगर यू नो वो पर्टिकुलर साइट जो है इट सीजेस टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विदाउट पब्लिक कंसल्टेशन। तो ये एक और हमें पॉइंट मिलता है, ये भी काफी कंसर्निंग है यू नो बाकी यू नो जियोलॉजिकल साइंटिस्ट के लिए। ओके और साथ ही में देखिए, अब ये एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से आ रही है, ओके या फिर जो यू नो थर्ड टीयर लेवल के एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी है, उनका ये कहना है कि देखिए आप बहुत सारी जियो हेरिटेज साइट पता कहाँ पे हो सकती हैं, जो पेसा एक्ट के तहत एरिया आता है, स्केड्यूल्ड एरियाज, फिफ्थ स्केड्यूल, सिक्स्थ स्केड्यूल, उस तरह के एरियाज में, ठीक है। तो आप वहाँ पे काफी बड़ा डिलेमा है, उसको आपने यू नो एड्रेस करते हुए, इस इशू को एड्रेस करते हुए बिल में कोई प्रोविजन ही नहीं लिखा, क्योंकि देखिए आप उन तरह के एरियाज में से स्पेसिफिकली वो लॉ ये कहता है कि स्केड्यूल्ड एरियाज में से आप उनकी परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते, कोई भी भारत का बनाया हुआ लॉ उन पे अप्लाई नहीं करेगा जब तक वो उसको कंसेंट ना दे दें। तो आपने उनसे कंसेंट की बात तो की ही नहीं, क्योंकि उनके लैंड के ऊपर उनका राइट है, स्पेशल राइट है, तो वॉट अबाउट दैट। तो एक यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न, विच इज वेरी अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंसर्न, ठीक है। तो एक कंसर्न के बारे में ये बात की गई है। अब देखिए पहली बार नहीं है जियो हेरिटेज यू नो कोई इस तरह का बिल आया है, ऑल्दो पहली बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सक्सेसफुल होगा, ऑल्दो आई थिंक इसको क्योंकि इतने सारे कंसर्न आ रहे हैं तो इसको रेफर किया जा सकता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या किसी एक्सपर्ट कमेटी को, है ना। तो उससे मे बी स्पेशली ये जो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे देखा कि एक ही डायरेक्टर जनरल में सारी पावर्स को वेस्ट कर देना, मे बी सेंट्रलाइजेशन हो सकती है, और वो भी तब क्योंकि कहीं जगहों पे उनको एक्सपर्टीज भी नहीं है, तो इट्स बेटर कि कमिटी हो, क्योंकि इसका इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है ना। तो यू नो जेपीसी को हम इनकी रिकमेंडेशन होते देख सकते हैं, पर 2009 में भी इस तरह का नेशनल हेरिटेज साइट कमीशन बिल आया था, ऑफकोर्स जियोलॉजिस्ट की ही डिमांड पे, लेकिन फिर वो बहुत सालों तक कमिटीज को गया, मिनिस्ट्रीज को गया कंसल्टेशन के लिए, फिर 2016 में थक हार के उसको ड्रॉप ही कर दिया गया। तो वी यू नो होप कि इस बार ऐसा ना हो। ओके अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी है, डेफिनेशन, साइट्स कंटेनिंग जियो रिलिक्स एंड फिनोमेना, ओके, स्ट्रैटिग्राफिक टाइप सेक्शंस, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटरेस्ट, ये बेसिकली बिल में लिखा है कि होता है जियो हेरिटेज साइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड 32 जियो हेरिटेज साइट्स नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स और फॉर प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस। तो देखिए 32 जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किए हैं जियो हेरिटेज साइट, और ये 32 के 32 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आप अपनी यू नो ज्योग्राफी की मैपिंग करते हैं तो ज्योग्राफी की जब आप मैपिंग करते हैं, आप नेशनल पार्क्स पढ़ते हैं, यू नो बायोस्फीयर रिजर्व्स पढ़ते हैं, तो आप रामसर साइट्स यू नो लोकेट करते हैं मैप्स में, एंड यू रीड अबाउट इट राइट, अ लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन हेयर एंड देयर, कौन सी स्टेट में है एटलीस्ट ये तो आप पढ़ेंगे ही। तो यहाँ पे भी ये 32 की 32 साइट्स चाहिए आपको मैप में लोकेट करके, और साथ ही में इससे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पर क्वेश्चन आएगा। अब देखिए वैसे तो ये आप खुद कर सकते हैं, बट इफ यू वॉन्ट, इफ यू वुड से ज्वाइन एज ए मेंबर ऑफ द चैनल, आई वुड पोस्ट इस तरह के जो इंपॉर्टेंट मैप्स हैं विद द इंफॉर्मेशन, ये 32 के 32 साइट्स की एक बेसिक टू लाइनर इन्फॉर्मेशन जो आपके प्रेलिम्स के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो मेंबर्स की कम्युनिटी टैब है उस पर पोस्ट किया जाएगा पूरी PDF इसकी, जो बहुत ही क्रिस्प 2-3 पेज की PDF होगी, जिसमें मैप भी होगा और इन्फॉर्मेशन भी होगी। सो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज ए मेंबर, क्योंकि उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो इकोनॉमी की वीडियो है, जो विजन आई है इसकी, वो भी इकोनॉमी की वीडियो भी मेंबर्स के लिए ही एक्सक्लूसिव एक प्रिविलेज होगा। कोई भी आप ज्वाइन कर लीजिए, 89 वाला कर लीजिए, 129, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ओके अब देखिए, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या है कि आपको यू नो विच ऑफ द फॉलोइंग जियो हेरिटेज साइट्स आर कम अंडर आंध्र प्रदेश, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स का मतलब कर्नाटका, तो आपको स्टेट वाइज याद रखना है, ठीक है। और साथ ही में अगर मैं आपको जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, राजस्थान में सेंड्रा ग्रेनाइट पाली डिस्ट्रिक्ट में है, तो देखिए सेंड्रा ग्रेनाइट अगर मैं आपको एक फीचर बताऊँ विद इमेजेस होगा उसमें, ताकि आपको याद करने भी आसान हो, ठीक है, जो यू नो कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया जाएगा। तो देखिए सेंड्रा ग्रेनाइट क्या होता है, ये रॉक्स हैं बड़ी बड़ी, अब देखिए पिक्चर यहाँ पे थोड़ी ब्लर हो गई है, पर ये रॉक्स हैं बड़ी बड़ी, तो इसमें क्या है विंड और वाटर के
बहाव से देख सकते हैं आप कितने बेहतरीन डिजाइन बन गए हैं, कटिंग एंड स्लजिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रॉक्स बने, ये है सेंड्रा ग्रेनाइट। तो ये राजस्थान का एक जियो हेरिटेज साइट है। तो वैसे ही अगर आप लोनार लेक तो जानते ही होंगे, बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में, जिसमें एक समय पे अभी यू नो जो पैंडेमिक था तो वहां पे पिंक टर्न हो गया था, है ना, तो वो आपको याद होगा बिकॉज ऑफ अ बैक्टीरिया। तो ये चीज हमने देखी थी। तमिलनाडु का फॉसिल वुड पार्क भी है, अगर इफ यू से हैव एवर बीन देयर या आपको पता है तमिलनाडु में फॉसिल वुड पार्क भी है, ठीक है, साउथ आर्कोट डिस्ट्रिक्ट में। तो ये इस तरह से आपको पढ़ के जाना है फॉसिल वुड। तो ये चीजें तो बहुत आसान है, पर कहीं कहीं चीजें जो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती हैं, क्योंकि इसमें ऐसा है कि यू नो ये क्रिटेशियस पीरियड का है, ये 50 मिलियन ईयर्स अगो, या कुछ कुछ आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। सो यू आई थिंक आपको समझ आ गया कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। ऑलराइट, ऑनर ऑफ ऑफिस। तो देखिए ये एक एडिटोरियल जो आई थिंक आपके लिए, अब देखिए जो गवर्नर की पोस्ट है ना, वो ऑलरेडी पिछले कुछ सालों में हम बहुत पोलिटिसाइजेशन देख रहे हैं। गवर्नर पे ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आया है GS2 के पेपर में, आप उठा के देख सकते हैं। जो सबसे यू नो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके GS मेन्स के परस्पेक्टिव से, GS2 के, वो गवर्नर, पोलिटिसाइजेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर एंड इस तरह का क्वेश्चन, और साथ ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पोलिटिसाइजेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर जो रिमोट वोटिंग, ये किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो यू नो एम्बिट है वो सिर्फ इलेक्शंस कंडक्ट करवाना नहीं है, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान तो केवल इलेक्शंस कंडक्ट करवाना ही देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, लेकिन उसका एडुकेशन, इलेक्टोरल वोटर अवेयरनेस, इस तरह की यू नो चीजें भी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम गवर्नर की बात करें तो मैं कुछ आपको, आई शुड बी कनेक्टिंग द डॉट्स फर्स्ट, तो आपको पता होना चाहिए रीसेंट ट्रेंड्स क्या है। रीसेंट ट्रेंड्स क्या है, सबसे पहले तो हमने केरला के केस में जो मिस्टर खान, राइट, तो जो गवर्नर हैं केरला के, तो उनके बीच में, और हमने मिस्टर पिनाराई विजयन की सरकार के बीच में काफी टसल देखा। तो वहां पे जो सबसे बड़ा प्रोमिनेंट इशू उठ के आया कि क्या सबसे पहला क्वेश्चन, यू नो अगर आपके मेंस में क्वेश्चन आया है, देर आर रीसेंट इमर्जिंग क्वेश्चंस ऑन द पोस्ट ऑफ गवर्नर, ठीक है, तो आप उसमें क्या लिखेंगे कि क्या एक गवर्नर अपना प्लेजर विड्रॉ कर सकता है एक मिनिस्टर से, क्योंकि जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये लिखा है कि जो मिनिस्टर है अदर देन चीफ मिनिस्टर, ऑफकोर्स चीफ मिनिस्टर तो नहीं अंडर प्लेजर काम करते, लेकिन जो बाकी मिनिस्टर होते हैं, ही और शी सर्व्स अंडर द प्लेजर ऑफ गवर्नर, तो क्या वो प्लेजर गवर्नर का है या चीफ मिनिस्टर का है, क्योंकि जो बाकी मिनिस्टर्स हैं चीफ मिनिस्टर के अलावा, वो सारे मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर की रेकमेंडेशन पे, सजेशन पे, एडवाइस पे एक गवर्नर अपॉइंट करते हैं, तो ये प्लेजर किसका हुआ, चीफ मिनिस्टर का, राइट, ना कि गवर्नर का। तो ये क्वेश्चन सही है कि नहीं, आपको पहला क्वेश्चन ये, रीसेंट ट्रेंड ये है। दूसरा, केरला के केस में से हमें एक और बहुत प्रोमिनेंट गवर्नर से रिलेटेड इशू मिला है, वो है वाइस चांसलरशिप का। ओके, तो देखिए ये बात आपको पता है और पहले ही बता चुकी हूँ, बाय डिफॉल्ट जनरली क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो एक स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी की जो चांसलर है वो स्टेट के गवर्नर होते हैं, ठीक है। और वैसे ही जो नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, नेशनल यूनिवर्सिटीज के बाय डिफॉल्ट जो हमारे चांसलर हैं वो प्रेसिडेंट हैं, तो अब बच्चा कौन, उनसे नीचे आते हैं वाइस चांसलर, ठीक है। और देखिए चांसलर्स जो हैं, अब गवर्नर हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो उनके पास ऑफ कोर्स इतना टाइम नहीं होता कि वो हर यूनिवर्सिटी का काम करें, तो जो वाइस चांसलर हैं जो एक पोस्ट नीचे, वो एक्चुअल में सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और सारी चीजें मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, संभालते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट क्या है, वाइस चांसलर की, ठीक है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी की। तो वहां पे क्या हुआ कि मिस्टर खान ने कहा, जो केरला के गवर्नर हैं, उनका कहना है कि केरला की जो यू नो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स हैं, जो बेसिकली केरला की सरकार ने, चीफ मिनिस्टर के कैबिनेट ने यू नो अपॉइंट किए हैं, उसमें काफ़ी नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और कोई वहाँ पे मेरिट का बेसिस यू नो फॉलो नहीं होता, तो इन तरह के लोगों को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि सच्चाई है, ठीक है, पर हम उसमें नहीं जाएंगे। बात यह है कि क्या गवर्नर रिमूव कर सकते हैं वाइस चांसलर को, क्योंकि उन्होंने किया, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन, रीसेंट ट्रेंड ये इमर्ज होके आता है। फिर हम और क्या देख रहे हैं, फिर हम तीसरा ट्रेंड जो रीसेंट देख रहे हैं, जो हमने तमिलनाडु में देखा, हमने तमिलनाडु में क्या देखा, हमने तमिलनाडु में ये देखा जो वहां के गवर्नर थे
उन्होंने जो स्पीच, गवर्नर का एड्रेस, देखिए जो प्रेसिडेंट एड्रेस होता है, गवर्नर का एड्रेस होता है, वो खुद नहीं लिखते, वो अपनी स्पीचेस खुद नहीं लिखते, वो उनको सरकार लिख के देती है जो यू नो करंटली पावर में होती है। तो जब आप उस यू नो स्पीच में से कुछ भी उमिट कर देते हैं, कुछ नहीं बोलते, तो कहीं ना कहीं वो आप सरकार के उस स्पीच का यू नो उल्लंघन या इस तरह से कुछ कह सकते हैं। तो जो मिस्टर आर एन रवि, आई थिंक जो गवर्नर है तमिलनाडु के, तो मिस्टर स्टालिन की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो स्पीच दी उनको, उसमें से उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को ओमिट किया। ओके, फिर हम रिसेंटली ये देख रहे हैं, फिर उन्होंने एक बार ये भी कहा कि तमिलनाडु इज़ नॉट द राइट वर्ड, तमिलगम आई थिंक इज द करेक्ट वर्ड। तो ये हम एक रिसेंट ट्रेंड देख रहे हैं कि क्या प्रेजिडेंट यानी कि गवर्नर एड्रेस में से यू कैन ओमिट एंड यू नो इस तरह से आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से गवर्नर कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए जो प्रेसिडेंट एड्रेस होता है, जो अभी हम मोशन ऑफ थैंक्स और ये सब कुछ बजट सेशन में देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी प्रेसिडेंट एड्रेस या गवर्नर एड्रेस, ठीक है, इट स्पीक्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो जो आप एड्रेस दे रहे हो, तो आप कहते हो माई गवर्नमेंट, तो आप नहीं बोल रहे, यू टॉक फॉर द गवर्नमेंट। तो एक रीसेंट ट्रेंड ये है। फिर एक और ट्रेंड है जो तेलंगाना के गवर्नर से इमर्ज होता हुआ दिख रहा है, वो क्या ट्रेंड है? वो ट्रेंड ये है कि यू नो यू सिट ऑन द बिल्स, यू सिट ऑन द बिल्स लाइक इन्फिनिटली। आपको बार बार पूछा जा रहा है कि यू नो सरकार पूछती है, मैम क्या हुआ, सर क्या हुआ, आपने वो बिल नहीं अभी तक साइन किया, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 1 साल हो गया। तो वो कहते नहीं, आई विल हैव टू रीड इट फर्स्ट, I will have to consider it first, then I will, you know, take the decision. So pocket veto बहुत ज़्यादा you know apply होती दिख रही है। तो ये चीज़, एक और recent trend जो हमें emerge होता दिख रहा है, जो हमें झारखंड और इस तरह की बहुत सारी जगहों में दिखा, कि क्या you know वैसे तो constitution provide करता है ये route कि आप important bills को you know जो state government के important bills हैं, आप उनको reserve कर सकते हैं for the president's consideration। तो प्रेसिडेंट मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होता, प्रेसिडेंट वर्ड जब मैं बोल रही हूँ तो ऑल द प्रेसिडेंट एक बहुत बड़ी पोस्ट है, पर आपको पता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर्स नहीं है कोई। तो जब मैंने प्रेसिडेंट शब्द बोला तो मतलब केंद्रीय सरकार, तो क्या ये फेडरलिज्म के खिलाफ नहीं हो जाता? तो एक ट्रेंड ये है, ठीक है। तो इन सारे ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हुए एक और रीसेंट ट्रेंड है कि क्या आप जो ऑलरेडी इतनी पोलिटिसाइजेशन और इतना कॉम्प्लेक्स इशू बन चुका है करंटली, 5-6 पॉइंट तो मैंने डिस्कस कर लिए, उसमें से एक और चीज़ निकल के आती है कि क्या जो प्रीवियस यू नो जो प्रीवियस यू नो सुप्रीम कोर्ट जजेस थे, कि क्या वो गवर्नर बन सकते हैं कि नहीं। अब देखिए इसमें भी क्या है ना कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है ये चीज़। अगर हम देखिए, मैंने कल ही आपको बताया था, अगर आपने कल की वीडियो देखी थी तो मैंने आपको कहा था कि कल एक एडिटोरियल आएगा इसके ऊपर, और वो आज आया, ठीक है। तो यू नो उसमें क्या है कि जब आपको पता है आप रिटायर होने, मैं एक सुप्रीम कोर्ट की जज हूँ और मुझे पता है कि मैं रिटायर हो जाऊँगी 3-4 साल 6 साल मैक्सिमम यू नो सर्व करके, और उसके बाद अब फिर मैं क्या करूँगी पूरी ज़िंदगी। तो अगर बड़ा यू नो लाजवाब हो जाएगा अगर मुझे सरकार एक यू नो अश्योरेंस दे दें, डू नॉट वरी, हम आपको गवर्नर बना देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यू नो सैलरी गुड, पोस्ट गुड, ऑनर गुड, यू नो ऑल ऑफ दैट, तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्यूज हो गया मेरा जो खुद का से था। तो मैं कहीं ना कहीं, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं, जो यहाँ एडिटोरियल में लिखा है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर मैं क्या करूंगी, तो बहुत बार जो मैं अपने डिसीजंस लूंगी जब मैं यू नो एक सुप्रीम कोर्ट की जज हूँ, वो कहीं ना कहीं सरकार के फेवर में हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है पोस्ट तो इन्होंने देनी है मेरे को। तो ये चीज एक बहुत बड़ा सवाल उठ के आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो अभी रिसेंटली जो गवर्नर्स, न्यू गवर्नर्स की लिस्ट आई है, तो उसमें से एक फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है जस्टिस अब्दुल नसीर जी, जो डीमोनेटाइजेशन और अयोध्या लैंड डिस्प्यूट और इस तरह के यू नो केसेस में थे, और पुट्टा स्वामी जजमेंट में भी, ठीक है। और साथ ही में यू नो एक फॉर्मर इंडियन आर्मी कमांडर भी हैं, ठीक है। दिस गवर्नर्स ऑफ सेवरल स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी वर आल्सो शफल्ड इन रीसेंट इयर्स, गवर्नर्स हैव सॉट टू प्ले अ पॉलिटिकल रोल इन सच स्टेट्स। देखिए क्या है ना कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी थ्योरी है, वो कहती है कि देखिए कुछ फेडरलिज्म नहीं होता, फेडरलिज्म या फिर सेंट्रल स्टेट रिश्तों में खराबी, ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ पार्टी अलायंस होता है। ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी है, इंडियन पॉलिटिकल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने लिखी है कि, और हमेशा ही हमने देखा है कि जब तक केंद्रीय लेवल पे जो पार्टी रूल कर रही है, और जो चाहे वो कोई भी सरकार हो, या प्रेजेंट सरकार की केवल बात नहीं हो रही, और जो यू नो जो स्टेट लेवल पे पार्टी रूल कर रही है, जब तक वो सेम होती है तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि स्टेट तो स्टेट ही है, वहाँ फेडरलिज्म नहीं हर्ट होता,
जब GST आया या फिर इन तरह की चीज़ें, तो उनको तो हम नहीं देखते, हम सरचार्ज के बारे में इन स्टेट्स को तो बोलते हुए नहीं देखते, हम सेस के बारे में इन स्टेट्स को तो बोलते हुए नहीं दिखते देखते जहाँ पे वही पार्टी रूल कर रही है जो केंद्रीय स्तर पर रूल कर रही है, पर बाकी बोलते हैं। तो बात क्या है, पार्टी 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 यहाँ पर टसल आता है। तो वही चीज़ झारखंड में दूसरी पार्टी है, केरला में दूसरी पार्टी है, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, तो यहीं पे बेसिकली हम कॉन्ट्रोवर्सीज देखते हैं गवर्नर से रिलेटेड। फॉर गुड रीजंस द रोल्स ऑफ द मिलिट्री एंड द जुडिशरी टू आर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू देयर रिलेशनशिप विद द पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, और रिसेंटली देखिए हम क्या देख रहे हैं कि सरकार काफ़ी आतुर है, एग्जीक्यूटिव काफ़ी आतुर है कि वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को कंट्रोल कर ले। अब देखिए वैसे तो कोलिजियम सिस्टम में तो कहीं नहीं लिखा ना सरकार का इस तरह का रोल, तो अपना रोल बना लेते हैं डीले करके, या फिर कहीं सिलेक्टिवली कहीं नामों को डीले कर देते हैं अपॉइंट करने में, बैठे रहते हैं उनको लेके, जैसे जस्टिस संजय किशन कौल जी ने कहा, या फिर कई लोगों को बहुत ही क्विकन कर देते हैं, जैसे अभी विक्टोरिया गौरी जी के केस में देखा हमने। ठीक है, तो इस तरह से वो अपना से ले आते हैं कोलिजियम सिस्टम में। इट हैज सिलेक्टिवली डिलेड एंड एक्सेलरेटेड अपॉइंटमेंट्स रेकमेंडेड बाय द कोलिजियम इफेक्टिवली एक्सरसाइजिंग पावर्स दैट इट डज नॉट हैव इन अपॉइंटिंग जजेस। द बीजेपी हैज आल्सो फेस्ड चार्जेस ऑफ यूजिंग द आर्म्ड फोर्सेस। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो करंट रूलिंग पार्टी है उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को भी पोलिटिकल नैरेटिव सेट करने के लिए यूज किया है। आई डोंट नो, यू माइट अग्री और नॉट अग्री। Earlier two retired police and intelligence officers went on to occupy. अब देखिए मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी यू नो सुप्रीम कोर्ट जज को बनाया गया है एक गवर्नर, तो ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। पहले दो एग्जाम्पल्स हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं बिफोर ऑफकोर्स जस्टिस नज़ीर, क्योंकि जस्टिस नज़ीर को तो इस बार हम देख रहे हैं। इनसे पहले हमने देखा था फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस पी सथाशिवम, और एक और हमारे पास एग्जाम्पल है फॉर्मर जस्टिस एम फातिमा बीवी। ठीक है, इन दोनों को हमने गवर्नर के रूप में अपॉइंट होते हुए देखा है। लेकिन अब देखिए जो जस्टिस सथाशिवम है, जो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल 2014 का एग्जाम्पल है, वो भी एनडीए की सरकार, जो अभी सरकार है, उन्होंने ही गवर्नर ऑफ केरला के रूप में उन्हें अपॉइंट किया था। तो कहीं ना कहीं अब देखिए उससे पहले जो फातिमा बीवी जी का जिनको मैं बता रही हूँ उनको अपॉइंट किया था देवेगौड़ा, जब HD देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, तो वहाँ पे कोलिजन की सरकार थी। है तो हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वहाँ पे नहीं कह सकते कि ओके बिकॉज ऑफ यू, बट NDA जो अभी यू नो करंट रूलिंग पार्टी है उनके समय पे हम ये देख रहे हैं, तो इसीलिए वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। सो यू नो सिंस 2014 इट हैज क्रिएटेड अ न्यू प्रेसिडेंट। तो एक और जो आपके लिए यहाँ पे फॉर्मर रिटायर्ड जजेस and retired army officers or commanders being appointed as the governors. This is the new precedent being set. ये आपके लिए recent trend है, ठीक है, governorship में. The institution of governor is a legacy of the British imperial governance structure. देखिए वही चीज़ ये है कि ये debate मैं बहुत बार discuss कर चुकी हूँ कि कहीं suggestions आते हैं governor की post को improve करने के लिए, second ARC says something, then this committee, क्या नाम है इसका, you know a lot of committees you know they say something on governor, kahin to itni debate extend ho jati hai, wo kehte hai dekhi British imperial legacy hai ye, governors wahi hua karte the, unhi ke hua karte the, inko abolish hi kar do, governor ki post kisi kaam ki nahi hai, you should be abolishing this in India altogether. तो खैर ये सही नहीं है क्योंकि गवर्नर्स बहुत सारे और इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, तो वो चीज़ इतना एक्सट्रीम हम नहीं सोच सकते। तो यहाँ पर लिखा है बिकॉज ऑफकोर्स जो प्रेजिडेंट है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, यू नो जो सेंट्रल लेवल पे, वही स्टेट लेवल के पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नर है, तो एक बहुत यू नो पोस्ट ऑफ ऑर्डर है ये। ओके बट इट वाज कैरीड ऑन टू ओके द गवर्नर वाज टू। अब देखिए वही चीज़, जब भारत आज़ाद हो रहा था तो तब बोला गया था कि छोड़िए क्यों ही रखना है, पर फिर भी हमारी जो नई रिपब्लिक बनी हमने कैरी ऑन किया इस पोस्ट को। द गवर्नर वाज टू एक्ट एज अ डायनामिक, तो ये सोचा गया था कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक डायनामिक लिंक की तरह एक्ट करेगा। ओके लेकिन ऑफ कोर्स इसको ऑर्नामेंटल, इस पोस्ट को सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक हेड रखा जाएगा, असल सरकार जो होगी, जो इलेक्टेड है ना, चुनी हुई सरकार होगी, वो होगी, एक्सेप्ट इन वेरी नैरोली डिफाइंड सिचुएशंस इन विच दे आर अलाउड डिस्क्रीशन इन डिसीजन मेकिंग ओवर द डेकेड्स द ओवररीच। देखिए वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, द ऑफिस ऑफ गवर्नर वॉज टू बी नथिंग मच, यार ये सब कुछ हम देख चुके हैं कि यू नो इसमें एक चीज लिखी है कि जो हम यू नो अगर फॉर एग्जांपल किसी रिटायर्ड जज को अगर हम एक गवर्नर बनाते हैं, तो यू नो सुप्रीम कोर्ट के जज की, वो जो जज है उस शब्द का भी कहीं ना कहीं हम डिग्निटी को कम होते हुए देख रहे हैं, और साथ में गवर्नर की डिग्निटी को भी हम कम होते हुए देख रहे हैं, तो ये ट्रेंड यहाँ से पता चलता है।
हिल और सिटी अर्बन प्लानिंग के नॉट बी एन आफ्टर थॉट। देखिए इन्होंने एक बुक भी लिखी है फिरोज गांधी जी ने, फिरोज वरुण गांधी जी ने, आई मीन वो तो उनके खैर यू नो, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है अर्बन प्लानिंग पे। ऑल्दो यू नो पॉलिटिकली कुछ भी नहीं है उसमें, पर अर्बन प्लानिंग पे वो काफ़ी अच्छी बुक है। तो खैर आप बुक तो पढ़ नहीं सकते, तो उसका जिस्ट पूरा इस एडिटोरियल में से मिलता है आपको। और ये इसमें से कम आपको 5 से 6 पॉइंट्स स्पेशली जो हम वे फॉरवर्ड में यहाँ पे देखेंगे, ये फ्लड रिस्क प्रूफ बनाने वाला सिटीज को, और ये लैंडस्लाइड रिस्क प्रूफ बनाने वाला, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमें मिलने वाले हैं। अब देखिए दिसंबर 24, 2009 में क्या हुआ था, आप जानते हैं, जोशी मठ में एक यू नो टनल बोरिंग मशीन, राइट, TBM वहां पे गई थी। सो इट हिट एन एक्विफर, वहां पे ऑलरेडी आप जानते हैं कि इसको लेके तपोवन प्रोजेक्ट वगैरह ये सब के बारे में काफी हम यू नो क्रिटिसिज्म देख रहे हैं। तो जो ये टनल बोरिंग मशीन थी जोशीमठ की, उन्होंने एक्विफर को हिट किया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके। और फिर एक्विफर को हिट करने के बाद वहां से क्या हुआ, नियरली 800 लीटर्स ऑफ वाटर पर सेकेंड ये वहां से रिलीज हुआ। तो यानी कि इतना जो पानी वहां से रिलीज हुआ या फिर लीक हुआ, इट वॉज इनफ टू सस्टेन द नीड्स ऑफ नियरली 30 लाख पीपल पर डे। आप सोचिए आपने कितने लोगों का यहाँ से जो ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट के कंपैरिजन में अगर हम देखें, वो आपने वेस्ट कर दिया। सून आफ्टर ग्राउंड वाटर सोर्सेज बिगैन ड्राइंग अप, इसीलिए तो ग्राउंड वाटर सोर्सेज बिगैन ड्राइंग अप, इवन एज द वाटर फ्लो रिड्यूस बट नेवर स्टॉप्ड। मीनवाइल जोशी मठ हैज नो सिस्टम टू मैनेज वेस्ट वाटर, इंस्टेड द लार्ज स्केल यूज ऑफ द सोक पिट मैकेनिज्म कुड एक्सेसरबेट लैंड सिंकिंग। देखिए ये चीज मैं आपको पहले जोशी मठ हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि वहां पे जैसे एक्वीफर इंग्रेस हुआ ये, उसकी वजह से पानी निकला, तो जो ऑलरेडी इतनी नाजुक सी डेबरीज पे बसा हुआ पूरी सिटी है, टाउन है, ठीक है, और फिर जो आपने पानी रिलीज हुआ उन्होंने रॉक्स को और सॉफन कर दिया, और सॉफन कर दिया तो उसको और अर्थ को एक प्रोन बना दिया और उसको लूज कर दिया, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, ये जो लैंड सिंकिंग हो रही है वो और एग्जैसरबेट हो गई, ठीक है, डेंजरसली एक्सेलरेट हो गई। ऑन गोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और आप जानते हैं इसके ऊपर हम एक और चीज देखें, जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे, तपोवन विष्णुगढ़ डैम, हिलांग मारवाड़ी बाईपास रोड, तो ये तो दीज वुड एक्चुअली वर्सन द सिचुएशन। द प्रॉब्लम इन हिली अर्बन इंडिया, देखिए जो लैंड सब्सिडेंस है, लैंड सिंकिंग है, इस तरह के जो इंसिडेंट्स हिली अर्बन इंडिया में है, देखिए मसूरी में ऑलरेडी NGT ने एक स्टडी बिठा दी है कि मसूरी के ऊपर सारा डेटा ला के दीजिए, क्योंकि बहुत सारे यू नो जियोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं मसूरी इज ऑल्सो सिंकिंग, और हम जानते हैं मसूरी की सिग्निफिकेंस कितनी है। फिर उसके बाद हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं क्रैक्स, देखिए क्योंकि जोशी मठ में क्रैक्स ऑलरेडी थे, पर जो वाइडन और डीपन हो गए जिस लेवल पे, वो काफ़ी एंशियस कर दिया लोगों को उन्होंने। पर जम्मू कश्मीर में ऐसी जगहों पे, डोडा डिस्ट्रिक्ट में आए हैं बहुत सारे हमें देखे हैं क्रैक्स, वहां तो कभी थे ही नहीं। तो जो हिली अर्बन इंडिया है, दैट्स ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर अस एट द मोमेंट, ओके, हैज ऑलवेज बिन, बट ओके अभी हमारे सामने आ रहा है, अब तो हमें काम करना ही चाहिए। आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन एंड एस्टिमेटेड, ये आपको डेटा इससे आप शुरू कर सकते हैं कि भारत का यू नो 12.6% ऑफ लैंड एरिया इज प्रोन टू लैंड स्लाइड्स, ये GSI का डेटा कहता है, ठीक है, स्पेशली इन सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड उत्तराखंड, ठीक है। तो देखिए एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई कि यू नो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑलरेडी हमने देखा 1851 में, बहुत पुराना है, 170 ईयर से भी ज्यादा पुराना। तो उससे भी पुराना आप सर्वे ऑफ इंडिया को जानते हैं, 1700s की वो बॉडी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आई थिंक ये सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा है। स्पेशली देखिए यहाँ पे स्पेशली जो सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, उत्तराखंड, अगेन यू नो आपको मैप प्रिपेयर करके जाना है लैंड सब्सिडेंस प्रोन एरियाज का, ठीक है। अर्बन पॉलिसी इज मेकिंग दिस वर्स अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट, ओके, देखिए बात ये है कि अब हमें पता है, अब ये कि ये तो नेचुरल है, यू नो लैंडस्लाइड्स जो हैं, अर्थक्वेक्स हैं, ये तो एक नेचुरल नेचुरली प्रोन है ना कई जगह, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अर्बन पॉलिसी तो बना सकते हैं उसके साथ रहने की, ओके। हमें हम आगे यहाँ से बहुत पॉइंट्स देखेंगे उस तरह के, कंस्ट्रक्शन इन सच अ लैंडस्केप इज ऑफन ड्रिवन इन बाय बिल्डिंग बाय लॉज दैट इग्नोर लोकल जियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वही चीज देखिए जो इग्नोर कर देना कि वहां पे बन भी सकता है, वहां पे इतने बड़ा रिजॉर्ट बन भी सकता है जो आप बना रहे हैं, वहां पे किस तरह की कंस्ट्रक्शन हो सकती है, किस तरह की नहीं हो सकती, इस तरह के फैक्टर्स तो ध्यान में रखे नहीं जाते। कॉन्सिक्वेंटली लैंड यूज प्लानिंग
In India, Himalayan towns and western ghats is often ill conceived, adding to slope instability. As a result, landslide vulnerability has risen, made worse by tunneling construction that is weakening rock formations. ये बहुत basic चीज़ है, यहाँ पे कुछ नहीं हमें मिला. Acquiring credible data. अब देखिए सबसे पहली बात हम खड़े कहाँ हैं, इसका पता लगाना. कुछ भी काम शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए where do we to, you know, stand today. कौन सी जगहों पे कंस्ट्रक्शन हो गई है जो सही जगहें नहीं है. माइक्रो जोनेशन प्लान्स बनाइए, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट द डेटा, यू नो, गेट द मैपिंग एट द ग्रैन्युलर लेवल पॉसिबल. एकदम माइक्रो लेवल पे आप, यू नो, यू प्लान आउट थिंग्स, यू गेट द डेटा अवेलेबल. ओके, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज कंडक्टेड अ नेशनल, ओके, वो GSI का ही डेटा था. तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नेशनल मैपिंग एक्सरसाइज कंडक्ट की है. यू नो, ऑफकोर्स ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, 1:250,000 के स्केल पे. अर्बन पॉलिसी मेकर्स नीड टू मेक दिस फर्दर विद एडिशनल एरियाज विद हाई लैंड स्लाइड रिस्क शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सपैंड. तो वही चीज, जहाँ पे लैंड स्लाइड रिस्क बहुत ज्यादा है, दे शुडंट बी द एरिया शुडंट बी अलाउड टू एक्सपैंड लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर. देर मस्ट बी अ पुश टू रिड्यूस ह्यूमन इंटरवेंशन एंड देयर टू कैरिंग कैपेसिटी. कैरिंग कैपेसिटी पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, आप जानते हैं, आई थिंक प्रीलिम्स में आ चुका है कि या फिर मेंस में आया है. इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी के एक जो मसूरी के केस में इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी है वो ब्रीच हो रही है कि कितने टूरिस्ट वो, यू नो, संभाल सकते हैं एक बारी में, या कितने लोगों को वहाँ का नेचर केटर कर सकता है, तो वो ब्रीच हो रहा है. तो आप कैरिंग कैपेसिटी हर एक रीजन की पता लगाइए, इसका डेटा होगा तब तो हम कहेंगे अच्छा टूरिस्ट कंट्रोल होगा. ऐसा किया जा सकता है, बहुत सारी जगहों पे होता है कि इतने पर्टिकुलर 1000 टूरिस्ट से ज़्यादा यू कैन नॉट ट्रैवल हियर. ओके, मिजोरम में देखिए, मिजोरम आप जानते हैं जो उसकी कैपिटल है इज इन सीजमिक जोन 5 एंड बिल्ट ऑन वेरी स्टीप स्लोप्स. तो हम जानते हैं एक यहाँ पे अर्थक्वेक अगर आया 7 मैग्नीट्यूड का तो कम से कम 1000 लैंडस्लाइड्स ट्रिगर हो जाएंगी उस 7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक की वजह से. पर अब ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है जो आप लिखेंगे. ओके, मिजोरम्स लैंडस्लाइड एक्शन प्लान, यू शुड बी मेंशनिंग दिस वेरी ब्रीफ पॉइंट. मिजोरम्स लैंडस्लाइड एक्शन प्लान में यू नो बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हैं, इफ आई रीड इट, विद अपडेटेड रेगुलेशंस टू गाइड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन हैजार्डस ज़ोन्स. ओके, इट्स कमिटी इज क्रॉस डिसिप्लिनरी इन नेचर. जैसे कि वही हम कमेटी के बारे में भी देख रहे थे कि डिफरेंट यू नो एजेंसी से यहाँ पे एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, दे ऑफ कोर्स सजेस्ट यू थिंग्स हाउ दिस इज टू बी डन, हाउ दिस इज टू डन. तो इनकी जो कमेटी है वहाँ पे सिविल सोसाइटी है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, वॉलंटियर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं. ओके, विद अ पुश टू कंटिन्यूली अपडेट रिस्क जोन्स. तो ये इन सारी यू नो आप कह सकते हैं इन सारे लोगों के मदद के सहयोग से बेसिकली ये रिस्क जोन्स को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं एंड देन दे वर्क अकॉर्डिंगली. ओके, तो इतना ब्रीफली बस आप लिख दीजिएगा सब कुछ लिख के, क्या माइक्रोजोनेशन कीजिए और फिर रिस्क जोन्स पता लगाइए और कैरिंग कैपेसिटी पता लगाइए, फिर वैसे कंस्ट्रक्शन हो. फॉर एग्जाम्पल मिजोरम्स लैंडस्लाइड एक्शन प्लान, सिंपल खत्म, पॉइंट ही खत्म हो जाता है. फर्दर एनी साइट डेवलपमेंट हैज़ार्डस जोन नीड्स असेसमेंट बाय अ जियोलॉजिस्ट विद रिस्पेक्ट टू, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने आपको चिली के केस में बताया था. अभी रिसेंटली हमने अर्थक्वेक्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो जब टर्की का, तो उसमें हमने चिली की केस स्टडी देखी थी. आप चिली की केस स्टडी यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं लैंडस्लाइड्स वाले केस में भी, बिकॉज दे आर सॉर्ट ऑफ इंटरलिंक्ड, राइट. तो उसमें क्या है, चिली के केस में वहाँ पे यू नो इतने बड़े बड़े 9.9 मैग्नीट्यूड के 2014-15 में भी हमने देखे कि अर्थक्वेक है, लेकिन कैजुअलिटीज मेयर 400, ऑब्वियसली ये भी ज़्यादा है, बट यू नो बाकी के कंपैरिजन में आप देखें तो कुछ भी नहीं. क्यों हो पाया ये, क्योंकि चिली की जो यू नो वहाँ के इंजीनियर्स हैं वो उन पे फाइन लगाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है. इफ यू डोंट से गो बाय द कोड दैट हैज कम अप, यू नो अर्थक्वेक रेजिलिएंट बिल्डिंग्स अगर आप नहीं बनाते तो यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, यू विल बी इम्प्रिजन्ड, द इंजीनियर्स वुड बी इम्प्रिजन्ड. व्हाट दे हैव टू डू, वहाँ के जो जियोलॉजिस्ट हैं वो सॉइल सूटेबिलिटी, ये सॉइल सूटेबल है कि नहीं, ये स्लोप सूटेबल है कि नहीं कंस्ट्रक्शन के लिए, ये पता लगाते हैं. तो आप चिली की केस स्टडी लिख सकते हैं. ओके, इट मे नीड करेक्टिव मेजर्स. अब देखिए कहीं कहीं जगहों पे क्या है कि जैसे यहाँ पे लिखा है, इट मे नीड करेक्टिव मेजर रिटेंशन वॉल्स विद स्टेप्स टू प्रोहिबिट कंस्ट्रक्शन इन हैज़ार्डस एरियाज. अब एक और देखिए, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिलता है. तो हमने यहाँ पे मिजोरम का लैंडस्लाइड एक्शन प्लान देखा, नंबर 1, नंबर 2 चिली केस स्टडी, नंबर 3 हमें यहाँ पे मिल रहा है सिक्किम -AVVs, यू नो रियल टाइम
लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये हमें यहाँ से तीन चार बेसिक प्रैक्टिकल यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं जो काम कर रहे हैं. दे आर फंक्शनल एंड दे आर वर्किंग एंड दे आर सक्सेसफुल इनफ. तो सिक्किम में क्या है, गैंगटॉक में द अमृत विश्व विद्यापीठम, इन्होंने एक रियल टाइम लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग सिस्टम एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया है. जो ये सेंसर्स इन्होंने लगाए हैं जिसकी वजह से रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कर पा रहे हैं. ये सेंसर्स क्या करते हैं, दे असेस द इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल इन्फिल्ट्रेशन. रेनफॉल नीचे परकुलेट हो रहा है तो रॉक्स फॉर्मेशन एंड ऑल ऑफ दैट कितना हो रहा है, तो इस तरह के सेंसर्स वाटर मूवमेंट, स्लोप इंस्टेबिलिटी के बारे में अवगत करवाते हैं लोगों को बहुत जल्दी, ताकि एक्शन लेना बहुत आसान हो जाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. तो दिस इज ऑफ कोर्स अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर यू. अब हमने लैंडस्लाइड्स देख लिया. लैंडस्लाइड्स के लिए हमें तीन, अगेन आई रिपीट, नंबर वन हमें मिजोरम का लैंडस्लाइड एक्शन प्लान, नंबर टू हमें चिली की केस स्टडी जहाँ पे सॉइल सूटेबिलिटी, स्लोप सूटेबिलिटी देखी जाती है, तीसरा हमें मिला है सिक्किम का एवीवी का अमृत विश्व विद्यापीठम का रियल टाइम लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम. ओके, फिर हम फ्लड रिस्क देख लेते हैं. फ्लड रिस्क इज द सेकेंड इशू. इन ऑगस्ट 2019 द पल्लावा सिटी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, जो डोंबिवली में है महाराष्ट्र के, उन्होंने यू नो काफ़ी हैवी फ्लडिंग एक्सपीरियंस की. और फिर सीजनल रेन इज नाउ इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी. आप जानते हैं मुंबई फ्लड्स के बारे में, इट्स ऑलमोस्ट अ रेकरेंट फिनोमिनन एंड द रीजन फॉर द फ्लडिंग सून बिकेम एविडेंट, द टाउनशिप. तो फिर हमें फ्लड, जो इस तरह के फ्लड्स आए उसका रीजन भी पता चल गया. वो रीजन था टाउनशिप विच इज स्प्रेड ओवर 4500 एकर्स वॉज बिल्ट ऑन फ्लड प्लेन्स. तो वो फ्लड प्लेन्स, एक रिवर के फ्लड प्लेन्स में बसी हुई थी वो पूरी टाउन. ठीक है, तो इससे पता चलता है कि फ्लड प्लेन्स पे जो टाउनशिप्स बनाई जाती हैं दे आर प्रोन टू फ्लड्स. ओके, अनप्लान्ड मैनर में ऑफ कोर्स. व्हेन प्लान्ड टाउनशिप्स आर अप्रूव्ड विद अ डिस्टिंक्ट लैक ऑफ कंसर्न फॉर नेचुरल हजार्ड्स सच इंसिडेंट्स आर बाउंड टू अकर. देयर आर मोर एग्जांपल्स. इस तरह के और भी एग्जांपल्स हैं. जो पंजिम है गोवा में, वहाँ पे हमने लोकल रिवर्स को स्वेल अप होते हुए देखा जिसकी वजह से घर फ्लड हो गए, तो ये हमने देखा. ओके, तो ये दो एग्जाम्पल्स. फ्लड प्रूफिंग इंडियाज सिटीज, ये आप टर्म यूज कर सकते हैं. फ्लड प्रूफिंग इंडियाज सिटीज विल रिक्वायर मल्टीपल मेजर्स. क्या मेजर्स? पहला तो अर्बन प्लानर्स विल हैव टू सेट बैक फ्रॉम फिलिंग अप वाटर बॉडीज, केनाल्स एंड ड्रेन्स एंड फोकस इंस्टेड ऑन इनहेंसिंग सीवरेज एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क्स. तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है बेंगलुरु, जो अभी रिसेंट हमने यहाँ पे फ्लड्स देखी, हमारा साइबर हब हम उसको अपनी सिलिकन वैली और क्या क्या नहीं कहते, जिसपे पूरे संसार का हमेशा आय गड़ी रहती है कि ओके, बिकॉज यू नो जैसे हम सिलिकन वैली को देखते हैं कैलिफोर्निया की, वैसे ही भारत की सिलिकन वैली को देखा जाता है. और वहाँ पे तैर तैर के लोग अपने ऑफिस तक जा रहे हैं. अरे कितना ज़्यादा बुरा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे म्यूनिसिपल इलेक्शन ही नहीं हुए हैं कितने सालों से. वहाँ पे जो रैम्पेंट निगलेक्ट ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, तो ये चीज़, वहाँ पे ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे सीवरेज नेटवर्क नहीं है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क्स प्रॉपर नहीं है. तो पहला पॉइंट तो ये ठीक करने की ज़रूरत है. और ऑफ कोर्स आप यू नो इस तरह के गवर्नेंस एक एलिमेंट भी, डायमेंशन भी दे सकते हैं अर्बन प्लानिंग में. सबसे पहले म्यूनिसिपल इलेक्शंस, दे शुड नॉट बी निगलेक्टेड. ओके, एग्जिस्टिंग सीवरेज नेटवर्क्स नीड टू बी रीवर्कड, एंड जो एग्जिस्टिंग सीवरेज नेटवर्क है उनको देखिए अपग्रेड कीजिए, एक्सपैंड कीजिए टू एनेबल वेस्ट वाटर ड्रेनेज इन लो लाइंग अर्बन जियोग्राफीज. रिवर्स दैट ओवरफ्लो नीड टू बी, अब देखिए जो रिवर्स हमें पता है ओवरफ्लो हो ही जाती हैं हर सीजन के सीजन, उनको डीसल्ट करते रहिए. ओके, उनकी सिल्ट को रिमूव करते रहिए रेगुलरली. ओके, अलॉन्ग विद द पुश फॉर, साथ ही में एक और पॉइंट जो आपको मिल रहा है, कोस्टल वॉल्स बनाई है, कोस्टल इरोजन, फ्लड्स, कुछ कोस्ट पे वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे एम्बैंकमेंट्स नहीं है, तभी तो सी लेवल राइज की वजह से सबसे ज़्यादा फ्लड्स वहाँ पे होती हैं. ठीक है, ऑफकोर्स ये तो काफ़ी नेचुरल है, पर कोस्टल वॉल्स इज द वर्ड यू शुड बी राइटिंग. ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन फ्लड रेजिलियंट आर्किटेक्चर, रिवर एम्बैंकमेंट, फ्लड शेल्टर्स इन कोस्टल एरियाज एंड फ्लड वार्निंग सिस्टम्स इज नेसेसरी. देखिए फ्लड वार्निंग सिस्टम तो बन सकता है ना, है भी, चेन्नई में तो काम भी करता है. तो राइट सम एग्जाम्पल्स ऑन दैट. प्रोटेक्टिंग ब्लू इंफ्रा एरियाज, places that act as natural sponges for absorbing surface runoff, allowing ground water to be recharged is a must to mangroves and all. इस तरह के आप यहाँ पे example लिखेंगे, इनको protect कीजिए, इनको और बढ़ाइए. मिस्टी initiative लिखिए आप यहाँ पे जो budget में आया है. as rainfall patterns and intensity change, urban authorities will need to invest in simulation capacity to determine flooding hotspots and flood risk maps.
फ्लडिंग हॉटस्पॉट्स के बारे में डेटा लीजिए, उसको अपग्रेड कीजिए, जो अभी तक का डेटा है उसको फ्लड रिस्क मैप बनाइए, फिर उसके हिसाब से प्लानिंग कीजिए, उसके हिसाब से मेजर्स लीजिए। लुकिंग अहेड, अर्बन इंडिया डज नॉट हैव टू एम्ब्रेस सच रिस्क। हमें इन रिस्क को खुशी खुशी अपनाना नहीं है, हमें बल्कि क्या करना है, हमारी सिटीज को इनकॉर्पोरेट करना है इन्वायरमेंटल प्लानिंग अपने बाकी प्लानिंग कोर्सेज में, एंड एनहेंस नेचुरल ओपन स्पेसेस। अर्बन मास्टर प्लान्स, राइट इट, अर्बन मास्टर प्लान्स नीड टू कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि बेंगलुरु में 75 mm/h की रेनफॉल होती है, पीक रेनफॉल, तो हमें पीक रेनफॉल कितने तक का तैयार रहना है, 125 mm/h के लिए तैयार रहना है। एक्सट्रीम सोच के चलिए और उसके लिए प्रिपेयर रहिए, उसकी प्रिपेयरनेस एक्सट्रीम की होनी चाहिए, तभी तो उससे कम का होगा तो आपको फर्क ही नहीं पता चलेगा। अर्बन अथॉरिटीज इन इंडिया शुड असेस एंड अपडेट डिजास्टर रिस्क एंड प्रिपेयरनेस प्लानिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम विल ऑल्सो बी क्रिटिकल। फाइनली, ईच सिटी नीड्स टू हैव अ डिजास्टर, देखिए हर सिटी के पास एक डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क रेडी होना चाहिए, विद लार्ज आर्टीरियल रोड्स दैट अलाउ पीपल एंड गुड्स टू मूव फ्रीली। ऐसा नहीं है कि अगर थोड़ा सा कुछ ओवरफ्लो हो गया, कुछ दिक्कत आ गई, तो ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है, लोग अपने काम तक नहीं जा पा रहे, सब रुक गया, एसेंशियल सर्विसेज रुक गई, कोई एम्बुलेंस है किसी घर में, कुछ हो गया, तो वो नहीं है, मतलब इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हैव बिग आर्टीरियल रूट, एक्सपैंड देम। इंडियाज अर्बन जर्नी इज नॉट लिमिटेड टू एन इलेक्शन साइकिल, इट मस्ट प्लान फॉर अ मल्टी जनरेशनल प्रोसेस। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे पॉइंट्स आई होप आपको यहाँ पे मिले होंगे। अब हम बाकी आर्टिकल देख लेते हैं द हिंदू के ही, फिर उसके बाद हम इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स और आर्टिकल देखेंगे। मेयरल पोल्स नॉमिनेटेड मेंबर्स कांट वोट सेज सुप्रीम कोर्ट। देखिए ये बात हमें पता है, हम पहले भी देख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243 क्लियर है, वहाँ पे लिखा है कुछ ऐसा, कुछ आप बताइए मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट कर सकते हैं, एल्डरमैन वोट कर सकते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस के जो आगे मीटिंग्स में होते हैं, नहीं, दे कांट वोट, सिंपल खत्म बात। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, फॉर दोज हु थिंक NCST नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड स्केड्यूल्ड कास्ट आर देयर ओनली इन द बुक कॉल्ड लक्ष्मीकांत, उससे ज्यादा उनका कोई काम नहीं होता। हेयर आर एग्जाम्पल्स फॉर यू, वी आर गेटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ NCST टेकिंग सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ मेनी मेनी थिंग्स, मेनी मेनी इवेंट्स, और हमें पता चल रहा है NCST बहुत काम करती है, ठीक है। तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती है, जो अभी हमने गुरुग्राम का केस देखा, जिसमें कमलजीत कौर और मनीष खट्टर, ये हम देख चुके हैं, जो एक डोमेस्टिक हेल्प थी जिन्हें लाया गया था झारखंड से एक एजेंसी द्वारा, और फिर उनके साथ किस तरह की बदसलूकी की गई थी, उनके लिप्स वर कट विद द ब्लेड्स, शी हैड लाइक बर्नट मार्क्स, और उनको कैसे टोंग, जलती हुई टोंग से कैसे बर्न किया हुआ था जगह जगह पर, इस तरह की बदसलूकी। तो ऑफकोर्स शी वॉज अ माइनर, आई थिंक 14 years old, और ऑफकोर्स शी इज रिकवरिंग इन हॉस्पिटल नाउ। तो लेकिन इस केस को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया है मीडिया के रिपोर्ट्स में से NCST द्वारा, एंड ऑफकोर्स दे आर स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स एंड दे आर डूइंग देयर स्टफ, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर कोर्स। देखिए, यू मस्ट गेट अ क्वेश्चन, आई थिंक आपके GS4 में इस तरह का डोमेस्टिक हेल्प से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ओके, कि आप एक नेबर हैं और आपको, क्योंकि इस केस में ऐसा हुआ था ना कि आप एक नेबर हैं और आपको एक लड़की है जो रोते हुए दिखती है, और फिर बाद में पता चलता है कि उनके साथ इस तरह का मारते हैं, पीटते हैं, और उनको खाना भी नहीं देते कि वो डस्टबिन में से, क्योंकि इस केस में यही हुआ था कि रात को लेफ्ट ओवर्स जो डस्टबिन में से होते हैं वो कंज्यूम कर रही है, पूरे पूरे दिन कुछ खाने के लिए मिल रहा, और इतने महीनों से काम का कुछ एक रुपया भी नहीं मिला, घर पे फ़ोन करने नहीं दे रहे, बात करने नहीं दे रहे, तो आपको ऐसा पता चलता है। तो लेकिन ऑफ कोर्स आप भी इसमें नहीं आ सकते, तो आप क्या करेंगे, आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, नहीं करेंगे, शुड बी प्रिपेयरिंग सच थिंग्स। एंड देन ऑफ कोर्स उसका एक पार्ट ये होगा क्वेश्चन का, व्हाट डू यू थिंक इनफॉर्मल सेक्टर की जो एम्प्लॉयमेंट है, किस तरह की सोशल सिक्योरिटी वगैरह की उनको ज़रूरत है, तो यू शुड बी हैविंग योर पॉइंट्स रेडी। UK फॉर टाई अप इन हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजीज, तो इससे पहले ये आर्टिकल, एरो इंडिया एक्सपो शोकेसेस इंडियाज सेल्फ कॉन्फिडेंस PM। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द परसेप्शन ऑफ बाइनियल
एक्सपो एरो इंडिया हैज चेंज्ड एंड टुडे इट इज इंडियाज स्ट्रेंथ। तो देखिए आत्मनिर्भरता जो डिफेंस में, यहाँ पे हमने टारगेट सेट किया है डिफेंस एक्सपोर्ट को हमें लेके जाना है $1.5 बिलियन से $5 बिलियन तक 2024-25 तक, जो बहुत दूर नहीं है। ओके तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो पिछले 8 से 9 सालों में हमने देखी है, विच आर प्राइम मिनिस्टर से इज कमेंडेबल एंड हमें वी ऑफ कोर्स इज अ लॉन्ग रोड टू गो। फिर यहाँ पे यू नो इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एग्जांपल दिया गया है, एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का एग्जांपल दिया गया है, ये इंडिया के सक्सेस के एग्जांपल हैं सेल्फ रेजिलियंस में। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। ओके और साथ ही में यहाँ पे ये चीज़ हम पहले भी देख चुके थे, यू नो एरो इंडिया के इस इवेंट से पहले भी UK की तरफ से इस तरह के प्रपोजल्स आए थे, UK फॉर टाई अप इन हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजीज, टर्मिंग द नीड फॉर स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड द UK मिशन क्रिटिकल। तो UK मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट ने कहा है कि देखिए भारत और UK का ये जो डिफेंस सेक्टर में रिश्तों को बढ़ाना इज मिशन क्रिटिकल फॉर अस, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है ये। ओके पिच्ड फॉर कोलैबोरेशन इन हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग जेट इंजन टेक्नोलॉजी विच इज सेड वर एसेंशियल टू प्रिजर्व टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड टू सेट अप फॉर दी एंड स्टैंड अप फॉर द इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर ऑफ विच इंडिया वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके तो वही सारी चीज़ यहाँ पे लिखी है, जो रोल्स रॉयस का भी हमने एग्जाम्पल देखा था कि एक प्रपोजल रखा गया है कॉस्ट इफेक्टिव एक जेट इंजन कॉपरेशन का कि हम साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे, रोल्स रॉयस ने यह कहा था जो सुनने के लिए नहीं मिलता। खैर चलिए ये तो UK है, US तो बहुत ही इस चीज़ में क्या कह सकते हैं कि दे आर टू नेग्लिजेंट अबाउट इट कि नहीं वाई शुड बी यू नो हम क्यों ट्रांसफ़र करें और इस तरह की चीज़ें। अब देखिए हम पहले इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स देख लेते हैं, बीमारू स्टेट्स। अब देखिए क्योंकि आपको यू नो इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए क्योंकि आप ये वर्ड अपने आंसर्स में भी बहुत बार यूज़ करते हैं, लेकिन जो जिस कॉन्टेक्स्ट में जिस संदर्भ में इसे आज यूज़ किया जाता है तो कहीं ना कहीं वही, लेकिन थोड़ा सा अलग है इसका जो हिस्ट्री है, इस शब्द का जो ओरिजिन है। ठीक है, ऑन February 10 को जब उत्तर प्रदेश सरकार के 2 दिन के इन्वेस्टर्स समिट को इनॉग्रेट किया तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिकॉल किया कि देखिए एक बार एक टैग यूज किया जाता था काफ़ी सालों तक, बीमारू टैग है ना UP को डिस्क्राइब करने के लिए। फिर उसके 2 दिन बाद ही राजस्थान में जब वो इनॉग्रेशन के लिए गए न्यू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के फर्स्ट फेज के, तो उन्होंने फिर दोबारा रिकॉल किया कि डेकेड्स तक कई लोग राजस्थान को बीमारू स्टेट कहते थे, लेकिन BJP इज मेकिंग राजस्थान द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ऑफ डेवलप्ड इंडिया। तो बीमारू है क्या? तो अब देखिए बीमारू बिहार BI, मध्य प्रदेश MA, राजस्थान R, उत्तर प्रदेश U, बीमारू। ठीक है, 1, 2, 3, 4 चार स्टेट्स आ रही हैं इसमें। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, ये स्टेट्स जो हैं, जो चार स्टेट्स हैं, दे आर लैकिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ, हेल्थ केयर, एडुकेशन एंड मोर सच थिंग्स। तो जो इन फ्रंट पे लैक कर रहे होते हैं हम कहते हैं वो बीमारू स्टेट हैं यहाँ पे। और बीमारू तो आप शब्द भी जानते हैं, सिक बीमार। ठीक है, तो उससे तो हिंदी में अगर हम बिल्कुल लिटरल मीनिंग देखें, लेकिन क्या है इस टर्म का ओरिजिन? आशीष बोस वॉज अ डेमोग्राफर, डेमोग्राफर यानी पॉपुलेशन को मैप करना है एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो ये चीज़ और कैसे पॉपुलेशन चेंज हो रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है एंड ऑल ऑफ दैट, तो उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था आशीष बोस जी ने, जब उन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया था द देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी को। तो उन्होंने इस पेपर में लिखा था, देखिए उस समय पे माइंड यू 1985 का ये समय है, तब झारखंड नहीं निकला था बिहार में से, छत्तीसगढ़ नहीं निकला था मध्य प्रदेश में से, उत्तराखंड नहीं निकला था उत्तर प्रदेश में से। तो आज हमने ये जो बीमारू स्टेट्स में से कहीं ये जो है झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड, तो ये भी सोर्ट ऑफ बाय डिफॉल्ट बिकम द पार्ट ऑफ दिस टैग बीमारू। ठीक है, तो ये चीज़ ऑल्दो वेरी डेरोगेटरी, आई थिंक इट मस्ट बी डिसबैंडेड कम्प्लीटली, पर अगर आप इसका देखिए अगर एक पता चलेगा ना आपको ओरिजिन क्या है तो शायद ये कम ऑफेंसिव हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या है इसका ओरिजिन। तो इन एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली आर्टिकल इन 2007 बोस रोड, तो 2007 के उन्होंने अपने एक आर्टिकल में भी लिखा था कि मैंने इस टर्म को कॉइन किया था, पर यह बताने के लिए कि 1985 में जब यू नो मेरे से प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि आप हमारे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में बताइए कि कौन सी जो स्टेट्स हैं वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में लैक कर जाएंगी, तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि वहाँ पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.1 के हमें नीचे या उतना 2.1 तक लेके आना है कि एक मदर अपनी पूरी लाइफ टाइम में एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है, जितने बच्चों को जन्म देती है उससे उसका कहीं ना कहीं लिंक है
पावर्टी को कम करने में, इस तरह की चीजें, ठीक है, मतलब आप कैसे सस्टेन करोगे इतने सारे बच्चों को? ऑलरेडी इंडिया वॉज नॉट डूइंग गुड एट दैट टाइम, राइट? तो फैमिली प्रोग्राम के लिए कि कौन सी स्टेट्स में कहीं ना कहीं जो फर्टिलिटी रेट है वो ज्यादा रह जाएगी, दे वुड लैग इन दैट. तो ये टर्म का ओरिजिन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से आता है, ठीक है. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है. तो उन्होंने 2007 में बोला कि ये स्टेट्स तब भी लैग कर रही थी इस फ्रंट पर. अभी भी मेरा कहना ये है कि 25 साल तक, आने वाले 25 साल में, और देखिए अभी भी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है 5 का, वो भी यही बताता है कि अभी भी यूपी की बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है. अभी भी मध्य प्रदेश के बहुत सारे स्टेट्स में टोटल फर्टिलिटी, बिहार में बहुत ज़्यादा है टोटल फर्टिलिटी रेट, है ना. तो ये कुछ कुछ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को अभी भी अचीव नहीं कर पाए हैं जो मिस्टर बोस ने बोला था, और वही हमें दिख भी रहा है. 2007 में उन्होंने बोला था. मेरा ये मानना है कि आने वाले 25 साल में भी कहीं ना कहीं हम नहीं सुधार देख पाएंगे इतना इनमें. बोस मेनली आर्ग्यू दैट फ्रॉम फैमिली, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि फैमिली प्लानिंग के परस्पेक्टिव से यहाँ पे बोला गया था कि अगर भारत को देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हम देखें कि फैमिली प्लानिंग स्टर्न स्टेट्स में, आप जानते हैं तमिलनाडु, केरला, दे डूइंग गुड इन इट, राइट. तो सिर्फ लक्षद्वीप जाके देखिए आप, तो वहाँ पे 1 है. दिल्ली में तो 1 से भी कम हो गया कहीं कहीं जगहों पर, ठीक है, कहीं कहीं जगह हो गया पूरे दिल्ली में. तो इस तरह के कुछ सदर्न स्टेट्स और कुछ इस तरह की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का बहुत अच्छा परफॉर्म करना, और फिर कहीं स्टेट्स का, नॉर्दर्न स्टेट्स का बहुत ही बुरा परफॉर्म करना. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सदर्न स्टेट्स के ही बलबूते पे हम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन अचीव कर लेंगे. पॉपुलेशन स्टेबलाइज करने के लिए हर स्टेट वुड हैव टू डू गुड, ओके. तो ये चीज़ इन्होंने भूली थी. खैर, अब तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मैस नहीं करना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल वगैरह, जो इट्स गुड, यू नो, थिंग्स वुड कम टू, यू नो, देयर थिंग्स वुड फॉल इन लाइन अपने आप, सही है सब कुछ. वरना चाइना जैसा, फिर जापान जैसा, ये सब कुछ ना हो हमारे साथ. फाइन ऑफ ₹10 करोड़ लाइफ टर्म, वॉट इज उत्तराखंड न्यू एंटी चीटिंग लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आई थिंक उत्तराखंड का ये लॉ आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है GS-4 में लिखने के लिए. चीटिंग वगैरह इस तरह का कोई केस स्टडी आ जाती है या कोई भी थियोरेटिकल आंसर आता है तो उसमें लिखने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. अ डे आफ्टर अ प्रोटेस्ट इन देहरादून ओवर पेपर लीक्स, तो देहरादून में प्रोटेस्ट आपको पता है कि चले, पेपर लीक्स को लेके, पेपर स्कैम्स को लेके इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट टेस्ट्स, और वो वॉयलेंट हो गई. तो फिर फाइनली उत्तराखंड गवर्नर ने असेंट दे दिया एक ऑर्डिनेंस को जो पुष्कर सिंह धामी लेड BJP गवर्नमेंट द्वारा लाया गया कि एग्जाम्स में अनफेयर मीन्स को प्रोहिबिट और प्रिवेंट किया जाए. और आप, यू नो, बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के जो रिक्रूटमेंट स्कैम्स हम आए दिन देखते हैं, उनको बहुत ही हेफली डील करने का ज़रूरत है, क्योंकि उसमें 10-10 करोड़ तक के अभी इन्होंने फाइन रख दिया. तो जो आप, मतलब अगर एक आम इंसान है जो लीक कर देता है वो तो भर भी नहीं पाएगा, तो फिर आप जेल जाओगे, 10 करोड़ नहीं आपके पास. तो इस तरह के, स्टिफ मेजर्स लिए गए हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई बच्चे हैं बहुत सारे जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेरिट के बेसिस पे, सोचिए उनके साथ कितना गलत होगा. ऑल्दो कोई भी प्रोटेस्ट वायलेंट टर्न होना गलत बात है, पर उनकी मांग गलत नहीं है, ओके. द उत्तराखंड कंपेटिटिव एग्जामिनेशन बिल का नाम है, ऑर्डिनेंस का नाम है 2023, हैज प्रोविजन ऑफ फाइन अप टू ₹10 करोड़ एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर द गिल्टी. इट वॉज अर्जेंटली अप्रूव्ड बाई CM धामी एंड फॉरवर्डेड टू राजभवन विद द गवर्नर्स असेंट. इट बिकेम 24 घंटे के अंदर अंदर ये लॉ बन गया. द प्रोटेस्ट बाई द उत्तराखंड बेरोजगार यूनियन हैज सीन, देखिए ये प्रेशर ग्रुप का भी आपके लिए एग्जाम्पल है, कैसे प्रेशर ग्रुप्स लाइक बेरोजगार यूनियन इन उत्तराखंड ब्रॉट अप दिस, यू नो, एंटी चीटिंग ऑर्डिनेंस. तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. मिस्टर धामी वहाँ गए, उनसे बात की, उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अब हर एग्जाम चीटिंग फ्री और ट्रांसपेरेंट होगा. तो फिर वही चीज़ यहाँ लिखी है, प्रोविजन ऑफ द न्यू लॉ. अगर न्यू लॉ में आप देखेंगे तो फिर जो इंसान, कोई बच्चा अगर चीटिंग कर रहा है तो उसके लिए, ₹5 लाख तक का वो है, फिर कुछ, टाइम का इम्प्रिजनमेंट है. फिर अगर कोई बड़ी कोचिंग सेंटर या कोई इंसान जो पेपर करवाता है या उसके पास एक्सेस होता है और वो लीक कर देता है, बेच देता है ये पेपर्स को, तो उसको 10 करोड़ तक की, यहाँ पे फाइन भरना पड़ सकता है और लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है. तो फिर आपको ये बात पता चलती है कि बहुत अच्छे से डील करने की कोशिश की है, वैसे इसको इम्प्लीमेंट भी अच्छे से किया जाए. और 2016 से लेके अभी तक देखिए हमने उत्तराखंड में इस तरह के बहुत सारे पेपर लीक्स देखे हैं. इतना समय लग गया पर हो रहा है फाइनली, क्योंकि यहाँ के उत्तराखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन PSC एग्जाम में भी ये हो रहा है, स्टेट PSC. तो ऑफ कोर्स काफ़ी
समय लग गया बल्कि इस तरह के एक्ट को लाने में। तो पॉलिटिक्स नॉट कंसर्न, बिफोर दैट लेट मी जस्ट चेक अगर कुछ यहाँ पे रह गया है तो। ओके, यहाँ पे बस इतना सा डेटा है। जो चीज़ हम बहुत बार देखते हैं कि कस्टोडियल डेथ्स, भारत में कस्टोडियल डेथ्स बहुत होती हैं, तो इसीलिए तो कहते हैं प्रिजन रिफॉर्म्स आने की ज़रूरत है, ह्यूमन राइट्स को भी मद्देनजर रखने की ज़रूरत है। जब कस्टडी में किसी को लिया जाता है वहाँ पर टॉर्चर नहीं होना चाहिए, ये सब वगैरह ह्यूमन राइट्स के समय पर भी हम पढ़ते हैं, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि पिछले 5 साल में 80 कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं। कस्टडी में जब आप किसी को ले लेते हैं जो अक्यूज होता है उसको, और फिर डंडे वंडे मार के, मतलब वैसे तो हर केस में ऐसा होता है नहीं होता, वो डिपेंड करता है, बट ऐसा कहा जाता है भारतीय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए कि ये बहुत टॉर्चरस है। अब ये टॉर्चर सही है कि नहीं, मूवीज में तो अच्छा ही लगता है देखने के लिए कि लोगों को कि यहाँ पे एक्शन लग जाता है उनको कि डंडे मार के पुलिस ने सच उगलवा लिया, लेकिन हर चीज़ में सच होता भी नहीं है, ज़बरदस्ती तो कोई नहीं करते, डर के मारे कई बंदे मर जाते हैं। तो इस तरह की डेथ्स हमने देखी हैं, जो फिर अगेन ये जो कंसर्न है जो इतने सालों से भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर लूम कर रहा है वो फिर दोबारा उभर के दिखता है। गुजरात टॉप करता है लिस्ट को, महाराष्ट्र सेकेंड एट 76। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, गुजरात सॉ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कस्टोडियल डेथ्स अमंग ऑल स्टेट्स एंड यूटीज ओवर द लास्ट 5 ईयर्स एट 80। ओके, तो 80 डेथ्स हुई हैं 5 साल में गुजरात में, महाराष्ट्र में 76। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, वही सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा। गुजरात इज क्लोजली फॉलोड बाय महाराष्ट्र विच सॉ 76। ओके, फिर यूपी है, तमिलनाडु है, बिहार है, तो वही सारी चीजें। पॉलिटिक्स नॉट कंसर्न, तो देखिए ऑलरेडी हम ये चीज, ये आर्टिकल, ये एडिटोरियल डिस्कस कर चुके हैं कि जो असम में जो अरेस्ट हो रही हैं प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत, ठीक है, तो दोनों ही एक्ट्स आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है। पॉक्सो एक्ट ने अपना एक डेकेड कंप्लीट किया है, हम वो आर्टिकल, वो एडिटोरियल बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसा रहा पॉक्सो का ये डेकेड, इस पे क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। ओके, हस्बैंड्स एंड फादर्स ऑफ ब्राइड्स, तो आप जानते हैं कि मोस्टली जो हस्बैंड्स एंड फादर्स हैं माइनॉरिटी वाइफ्स के, तो उनको बेसिकली माइनर वाइफ्स की, नॉट माइनॉरिटी वाइफ्स, उनको बहुत ज़्यादा अरेस्ट किया जा रहा है, और उसमें से भी यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि सबसे ज़्यादा जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन उनको अरेस्ट किया गया है। अगर हम यहाँ पे डेटा देखें, ये डेटा हम वैसे देख चुके हैं पर माइनॉरिटी लेवल का डेटा इन्होंने यहाँ पे शेयर किया है। ओके, असम के केस में हिंदूज में जो अंडर एज मैरिज हुई है वो 23.5% है, और नेशनल एवरेज 23.2% है, तो ऑलमोस्ट एट नेशनल एवरेज। लेकिन मुस्लिम्स के केस में 45.8% और क्रिश्चियंस के केस में 23.8%, ठीक है, तो नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, अगर नेशनल एवरेज हम देखें मुस्लिम्स के लिए 26.4% है और क्रिश्चियंस के लिए 15.2%, लेकिन असम में क्रिश्चियंस में भी ज़्यादा अंडर एज मैरिज हो रही है। तो ऑल इंडिया फिगर शो दैट अर्ली मैरिज इज स्ट्रॉन्गली कॉन्सेंट्रेटेड अमंग, और ये भी हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो पुअरेस्ट क्लासेज हैं उसमें सबसे ज़्यादा अंडर एज मैरिजेज हो रही हैं असम के लिए, तो स्पेशली क्योंकि 42% अंडर एज मैरिजेज जो असम में हुई हैं वो पुअरेस्ट 20% लोगों में हुई हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा है, कई लोग कहते हैं कि चाइल्ड मैरिज की वजह से पावर्टी रहती है, डिसेंट, पर ऑथर का ये कहना है कि पावर्टी के वजह से चाइल्ड मैरिज होता है क्योंकि सेक्शुअल प्रोटेक्शन मिल जाएगा हमारी बच्ची को, तो इससे शादी कर दो, हमारे बाद ये इनका ध्यान रखेंगे, या फिर डाउरी कम देनी पड़ेगी कम उम्र में शादी हो गई तो, या फिर एक कॉस्ट कटिंग मेजर COVID-19 के टाइम पर, तो कॉस्ट कटिंग मेजर, तो पावर्टी को चेक करना चाहिए ना, ये ऑथर ये कहती हैं। Don't you think poverty is a real issue? और साथ ही में एक editorial हमने पहले भी देखा था, बिल्कुल सही है कि असम एक बहुत ही serious concern दिख रहा है क्योंकि असम में national average से कहीं गुना ज़्यादा है under age marriage, child marriage, लेकिन असम में और भी तो data है। असम नेशनल एवरेज से बहुत पीछे है एडुकेशन में, असम नेशनल एवरेज से बहुत पीछे है हेल्थ में जो वो देते हैं, असम बहुत पीछे है वुमेन केयर में, तो वहाँ काम क्यों नहीं हो रहा, सिर्फ डेटा यहाँ क्यों दिख रहा है, चाइल्ड मैरिज अरेस्ट कर लो, ये ऑथर ये कहना चाहती है। आप अग्री कर सकते हैं, डिसअग्री कर सकते हैं, देखिए अब वैसे चाइल्ड मैरिज है तो इलीगली तो अरेस्ट करना कोई गलत बात तो कुछ इलीगल तो हो नहीं रहा देखा जाए तो, है ना, लेकिन फियर अपील भी, मैंने दूसरा पॉइंट ये भी हो जाता है अच्छा कि फियर अपील क्रिएट होगी लोग नहीं करेंगे, लेकिन बड़े सारे पॉइंट इसके क्रिटिसिज्म में आ रहे हैं जो हम एडिटोरियल्स में देख रहे हैं, जैसे कि आप क्या करेंगे, आप और बल्कि वल्नरेबल बना देंगे
बच्चियों को, यू नो, कि अब वो बहुत, देखिए सिंपली इस तरह का जब बैन आता है ना किसी चीज़ पे, तो आप अंडरग्राउंड कर देते हैं चीज़ों को, कि वो फेक डेटा बताएंगी अपनी एज का, ठीक है, कंसीलमेंट, और जो माइनॉरिटी के खिलाफ और प्रीजुडिसेस, पुअर के खिलाफ और प्रीजुडिसेस, के इन लोगों में जल्दी मैरिज हो जाती है, ये सब वगैरह लिखा है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि और भी तो डेटा है, जैसे सेक्स रेशियो का डेटा है, 916 गर्ल्स पर 1000 बॉयज, वाई इज नथिंग डन हियर, ओके, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बोली है। तो सोल्यूशन यहाँ नहीं लाया करता, सोल्यूशन पॉवर्टी को इरेडिकेट करने में, अंडर एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उसको क्यों नहीं देखा जाता, ठीक है। तो क्योंकि क्रिमिनलाइजेशन तो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है, वही चीज़ यहाँ पे बोलने की कोशिश की गई है। वाई डोंट यू प्रोवाइड चाइल्ड न्यूट्रिशन, वाई डोंट यू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज, वाई डोंट यू प्रोवाइड अफोर्डेबल एजुकेशन, वाई नॉट प्रोवाइडिंग डिसेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज, ओके। तो ये चीज़ यहाँ, ताकि देखिए अगर लड़कियों के पास ये सब कुछ होगा, एडुकेशन होगा, तभी तो वो लेटर मैरिज उनके लिए एक ऑप्शन होगा, अभी ऑप्शन ही नहीं है ना, जब पढ़ लिख नहीं रही तो फिर बच्चियों की शादी हो जाती है। तो ये चीज़, ऑल्दो इतना इजी नहीं है ये कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत सारे, फॉरेन सेक्रेटरी कवात्रा मीट्स नेपाल पीएम इन काठमांडू, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है विनय मोहन कवात्रा जी, वो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहाल प्रचंड से मिले हैं काठमांडू में, और बहुत सारी चीज़ों पे, वेरियस सेक्टर्स पे बात हुई है, नेपाल इंडिया रिलेशंस इंक्लूडिंग पावर सेक्टर, कॉपरेशन, ट्रेड, ट्रांसिट, एडुकेशन, कल्चर, हेल्थ केयर, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तरह की चीज़ों पे बात हुई है। तो मिस्टर कवात्रा की जो विजिट है, इट कोइंसाइडेड विद द ग्रोइंग इंस्टेबिलिटी, जो एक ही महीने की सरकार है इनकी अभी प्रचंड की, और इन्होंने इतनी सारी इंस्टेबिलिटी देख रही हैं, तो कोलिजन की सरकारें खैर ऐसी ही होती हैं। और साथ ही में फरवरी 13 को यहाँ पे माओइस्ट रिबेलियन जो नेपाल की मोनार्की के खिलाफ चालू हुआ था, उसको मार्क करने के लिए फरवरी 13 को डिक्लेयर किया गया था, हॉलीडे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।